एवरीवन, इट्स मी चिश्तिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी एक होम रेमेडी जिसके थ्रू आप अपने फेस को इंस्टेंटली आप अपने फेस पर वाइटनिंग ला सकते हैं। मतलब आपका चेहरा थोड़ा सा भी आपको डल लग रहा है और आपका यह सनटैन हो गया है, क्या आप चाहते हैं कि कहीं पर आपको बाहर जाना है, कहीं पार्टी में जाना है और आपको इंस्टेंटली अपना चेहरे को एकदम से गोरा बनाना है, तो आज मैं फेस है वो इंस्टेंटली ब्राइट हो जाएगा, इंस्टेंटली ग्लो आ जाएगा और आपके फेस पर एकदम वाइटनिंग, एक वाइटनेस आ जाएगी। यानी आपका चेहरा एकदम खिला खिला लगेगा, एकदम फ्रेश लगेगा और एकदम गोरा बन जाएगा। तो चलिए हम वो कौन रेमेडी क्या है मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और कर दिया है तो थैंक यू सो मच। एंड मेरे अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और सभी को शेयर करिए। तो हम बात करते हैं जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ उसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे। तो बिल्कुल ईजी रेसिपी है और जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो है आपको आपके फ्रिज में या आपके किचन में ईजिली अवेलेबल होंगे, ईजिली आपको मिल जाएंगे, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें चार इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि आपको इजीली अपने फ्रिज में या किचन में मिल जाएंगे। तो हम बनाना शुरू करते हैं, किस तरह से बनाते हैं आप एक बार देख लीजिए। तो हमें सबसे पहले इसके अंदर चाहिए राइस फ्लोर। इसके अंदर राइस फ्लोर है जो कि मैंने पीस कर रखा है, मैंने आपको बताया था। आप भी चाहें तो इसे एक कंटेनर में भर कर रख लें, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा हमारी स्किन के लिए अच्छा है, हमारी स्किन को बहुत ब्राइट बनाता है। तो इसमें मैं काफ़ी रेमेडीज़ में इसे यूज़ करूँगी। तो इसे हमें एक तो ये चाहिए, एक हमें डाबर का हनी चाहिए, डाबर हनी एंड टमेटो, और हमें कर्ड चाहिए। ये इसमें कर्ड है। तो मैंने 2 चम्मच दही ले लिया है, ये 2 टीस्पून दही है। तो अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो 2 चम्मच दही लिया है, इसके अंदर हम 1 चम्मच राइस फ्लोर ऐड करेंगे। तो ये मैं इसके अंदर 1 चम्मच राइस फ्लोर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद में हमें टमाटर और शहद, इसमें हमें हनी ऐड करना है। जो हनी है इसे भी हमें 1/2 चम्मच हनी ऐड करना है। आधा चम्मच हनी डाल दिया है मैंने, और हम इसमें जो टमाटर है इसका, इसमें मैं टमाटर का रस 1 चम्मच टमाटर का रस ऐड कर रही हूँ। ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने चारों लिए हैं ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है टमाटर हमारे फेस को बहुत ब्राइट बनाता है, राइस फ्लोर हमारे फेस को बहुत ब्राइट बनाता है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही स्किन के लिए अच्छे हैं। तो ये चारों चीज़ें मैंने ले ली है, अब चारों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और एक थिक पेस्ट बना लेना है, जैसा कि हम इजीली हमारे फेस पर जो इजीली लग जाए। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा टाइट है तो आप इसमें कर्ड और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा अच्छा लग जाए। तो अभी मैं फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ इसे, और कम से कम हमें इसे 20 मिनट अपने फेस पर रहने देना है। 20 मिनट के बाद में हमें रब करते हुए फेस से हटा देना है। तो अभी मैं इसे हम पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे।
अभी ड्राई हो गया है, अब मैं इसे हाफ ड्राई हुआ है अभी, तो मैं इसे वॉश करके और फिर आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने फेस वॉश कर लिया है और मेरे फेस पर बहुत ही ग्लो लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मुझे ये पैक बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज़ मैं जब भी इस पैक को लगाती हूँ तो इंस्टेंटली मुझे अपने फेस पर एकदम से वाइट टोन नज़र आता है और ब्राइट हो जाता है और फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही अच्छी है, मतलब हैंड टू हैंड रिज़ल्ट देती है ये। अगर आपको सन टैन हो गया है और आपका स्किन बहुत ज़्यादा डल लग रहा है आपको, तो आप इस पैक को ज़रूर अप्लाई करिए, बहुत ईजी है और सारे इन्ग्रीडियंट्स जब आपके घर पर हैं और नेचुरल हैं तो आप उन्हें ज़्यादा यूज़ करा करिए नेचुरल चीज़ों को, बिकॉज़ वो बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट देती हैं और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कैसा लगा ये रेमेडी मेरी, तो मुझसे शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी है। मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझसे कनेक्ट रहिए, क्योंकि मैं आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ में काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ लेकर आ रही हूँ जो बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।